हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि पति पत्नी का साथ साथ जन्मों का साथ होता है। इसी सिलसिले में इसी तरह का एक केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये केस श्याम कुमार जी का है। श्याम कुमार जी जो कि 55 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही है और अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने बिजनेस को समेटेंगे और अपने पुश्तैनी गांव में जाकर वहाँ पर जो खेती बाड़ी है, ज़मीन जायदाद है, उसका कार्य संभालेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा लाइफ को टर्न करने वाला, पूरी तरह से बदलने वाला एक डिसीज़न है और इस डिसीज़न में उनकी वाइफ भी उनके साथ है। श्याम कुमार जी बताते हैं कि बचपन में जब वो बच्चे हुआ करते थे तब उनके साथ कुछ जो उनके तो उनसे आयु में थोड़े बड़े युवक थे, उन्होंने कुछ गलत किया था, उनको बुली किया गया था, उनके साथ कुछ अनैतिक व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से बचपन से जब से उनके साथ ये हुआ है, एक जिसे वो जिस फीलिंग को वो बयां नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते कि एक गिल्ट सा है, डर सा है जो हमेशा मन में रहता है। और वो जो कभी उनके साथ घटना जब वो 8-9 वर्ष के बच्चे रहे होंगे तब घटी होगी, अभी तक वो उन्हें बिल्कुल ताज़ा है। और इसके साथ साथ श्याम जी के अंदर एक डर की फीलिंग, एक गिल्ट की फीलिंग, जिसे वो बयां नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई रीज़न नहीं है। और इसकी वजह से कभी कभी जैसे दिल में एक भारीपन महसूस होना, पेट में थोड़ा दर्द महसूस होना, इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर रही हैं। और ये बात वो भी जानते हैं कि ये जो थोड़ा सा दर्द वो महसूस करते हैं, भारीपन महसूस करते हैं, ये उन फीलिंग्स का रिजल्ट है। इतनी एक समझ डेवलप है श्याम जी में कि वो जानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने ये जो थोड़ी सी मैं शारीरिक तकलीफ महसूस करता हूँ उसके लिए मैंने कई तरह के चेकअप भी कराए हैं लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया, और मेरा मन ये जानता भी था कि मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी देर से अब 55 साल की उम्र में जाकर उन्हें ये लगा कि नहीं, इस चीज़ के लिए किसी और नज़रिए से समझना होगा और ये जो दर्द है, डर है, गिल्ट है, इन सबको रिलीज़ करना होगा, एक नई नज़र पानी होगी। इसी सिलसिले में श्याम जी मेरे पास आए तो अब मैं आप सभी के साथ श्याम जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। श्याम जी ने अपने लगभग 3 बर्थ देखे। उन्हीं के शब्दों में, मैं एक सैनिक हूँ और मुझे ना चाहते हुए भी अपनी न्यूली मैरिड वाइफ को छोड़कर युद्ध में जाना पड़ रहा है। ये मेरे लिए भावनात्मक रूप से बहुत दर्द देने वाला है क्योंकि मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी, जो कि बहुत प्यारी इंसान है, मुझसे बहुत सच्चे मन का प्रेम करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। जीवन के एक साथ बड़े होने के, एक साथ बूढ़े होने के बहुत सारे सपने हैं जो मैंने अपने वाइफ के साथ सजाए हैं, लेकिन श्याम जी के उस बर्थ में उनके वो सपने अधूरे ही रह गए क्योंकि उस युद्ध में श्याम जी की मृत्यु हो गई और वो दोबारा कभी अपनी पत्नी से इस जीवन में नहीं मिल पाए। एक दूसरे दृश्य में श्याम जी अपने आप को एक आर्किटेक्ट कह लीजिए, उच्च स्तरीय, इस रूप में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हैं। और उसी बिल्डिंग में शायद वो उसी बिल्डिंग की मालकिन है, वो एक लड़की को देखते हैं जो बहुत प्यारी और सौम्य मुस्कुराहट के साथ उनके सामने खड़ी है। इस बर्थ में श्याम जी को जैसे पहली नजर का प्रेम हुआ है,
बस किसी को देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी को देखते ही उस पर प्यार आ जाना, कुछ इस तरह की फीलिंग्स श्याम जी ने महसूस करी। और इसी बर्थ में आयु के और 20 वर्ष आगे जाकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उसी लड़की से जिसे देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गए, उनसे उनका विवाह भी हुआ। लेकिन लगभग 20 वर्ष बाद, इस पहली मुलाकात के 20 वर्ष बाद, उनकी पत्नी का, जो कि अभी युवा ही थी, स्वर्गवास हो गया। इसके अलावा एक धुंधला धुंधला सा तीसरा बर्थ भी उन्हें दिखाई दिया, जो बहुत स्पष्ट वो नहीं देख पाए, लेकिन उस बर्थ में भी उन्होंने जाना कि उनके जीवन में एक लड़की है जिससे वो बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रेम परवान नहीं चढ़ सका और मृत्यु ने उस लड़की को उनसे दूर कर दिया। ये जो तीनों बर्थ उन्होंने देखे, इन तीनों में ही जो लड़की बार बार वो देख रहे थे वो उनकी वर्तमान पत्नी है। और यही वो फीलिंग थी, कहीं मैं कुछ खो ना दूं, मुझसे कुछ छूट ना जाए, ये डर। और जो बचपन में उनके साथ हुआ था, जो अनैतिक कार्य उनके साथ किया गया था उन्हीं से आयु में बड़े युवकों द्वारा, वो एक गिल्ट कि मैं कुछ कर नहीं सका, मैं ऐसे कैसे अपमानित हो सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सका, ये दर्द। ये दोनों मिलो जुलो भाव थे जो श्याम जी अपने साथ कैरी कर रहे थे। और ये दोनों ही भाव, जो कि एक तो इसी बर्थ से क्रिएट हुआ है जो बचपन से ही उनके साथ है, और दूसरा उनके पास्ट कई बर्थ में उनके साथ रहा है, और इससे हम ये भी समझ पाए कि उनकी जो आज के बर्थ में वाइफ है वो इससे पहले भी कई बर्थ में, तीन तो वो देख सके हैं, हो सकते हैं वो इससे पहले भी कभी इनके जीवन में रही हों, जिन्हें वो हम जान नहीं सके लेकिन रही होंगी, तो वो कई बर्थ में उनके साथ रही हैं, ये उनकी पहली कोई मुलाकात नहीं है। हाँ, इस बर्थ में जो उनका प्रेम हुआ, परवान चढ़ा, विवाह हुआ, और आज भी दोनों 55 वर्ष की आयु में साथ हैं। अब इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने आप को सोल वर्ल्ड में अनुभव किया। सोल वर्ल्ड में वो कहते हैं कि एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग, बहुत सौम्य मुस्कुराहट वाले, बहुत एक जिसे दिव्य पर्सनैलिटी कहते हैं, इस तरह का एक व्यक्तित्व, पिता समान व्यक्तित्व, वो मेरे साथ रहा और मैं उससे शिकायत करता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, हर बार मेरा प्रेम इतनी जल्दी मुझसे जुदा क्यों हुआ। इस पर उस दिव्य आत्मा का संदेश था, तुम्हें यही सीखना है, प्रियजन को खोने के दर्द से बाहर निकलना। ये एक मैसेज था श्याम जी के लिए, क्योंकि श्याम जी ने जब इस चीज़ को समझा कि तीन बर्थ में हमने साथ, जल्दी जल्दी हमारा साथ छूट गया, दो में तो विवाह भी हुआ फिर भी जल्दी छूट गया, एक में विवाह नहीं हो सका उससे पहले ही छूट गया, लेकिन आज भी तो हम साथ हैं, आज भी तो हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और कितने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए प्रियजन को खोना, एक्चुअल में शायद हम अपने प्रियजनों को कभी नहीं खोते हैं। जब उन्होंने सोल वर्ल्ड में अपने मार्गदर्शक से ये मैसेज प्राप्त किया, उन्हें समझ में आया कि वो ग्लानी जो बचपन से उनके साथ है, और वो दर्द जो अनचाहा सा है, वो बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रियजन को खोने का दर्द है, डर है, डर कि कहीं मैं खो ना दूं। उन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट कहा कि मैं कई बार अपनी वाइफ से भी दूरी बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब ये बात अपने आप में अजीब है कि वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर कहीं डर है कि मैं जल्दी खो ना दूं, कहीं मुझे वो दर्द ही फिर से न सहना पड़े जो अपनी वाइफ को खोने का दर्द है, उससे मुझे गुजरना ना पड़े। तो पता नहीं है उन्हें चेतन रूप से, लेकिन अब चेतन रूप से एक दीवार खड़ी कर रहा है मन
ये ऐसे ही है जैसे कई बार कोई व्यक्ति बहुत मोटा होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे चिढ़ाए, तू कितना मोटा है, देख तू कैसा लगता है, तू ऐसा वैसा, तो वो अपना मजाक खुद ही बना लेते हैं। वो कहते हैं हाँ, हम तो मोटे हैं, हाँ हम तो ऐसे हैं। कोई व्यक्ति यदि कुछ हाइट में कम है, ऐसा है, तो वो अपना मजाक खुद ही बना रहा है इससे पहले कि सामने वाला उसका मजाक बनाए। ये क्या है? ये एक तरह से जो शरीर है, जो मन है, वो इससे पहले कि दर्द आए उससे निपटने के लिए तैयार हो रहा है। इससे पहले कि कोई अपमानित करे कि मोटा है तू, छोटा है तू, ऐसे कह के अपमानित करे, उस अपमान से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है मन। कुछ कुछ ऐसा ही है, जब वो कई बार कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ से थोड़ा कभी कभी दूरी बनाता हूँ, समझ नहीं आता कि कौन सा डर है। वो डर जो कई बार से उन्होंने कैरी किया है, जल्दी खो दूंगा मैं जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मेरे प्रियजन को, उसे मैं जल्दी खो दूंगा, ये डर था जो अनजाने में एक दीवार क्रिएट कर रहा है। जबकि इतने प्यारे रिश्ते हैं फिर भी एक दीवार क्रिएट कर रहा है, डर डर के रूप में सामने आ रहा है। और वो जो बचपन में हुआ और जिसका वो विरोध नहीं कर सके, वो ग्लानि के रूप में आ रहा है। लेकिन जब उन्हें ये क्लैरिटी मिली कि वो जो कुछ हुआ, उन्हें समझ आया कि उस वक्त तो इतने बच्चे थे, वो स्टैंड नहीं ले सकते थे, लेकिन अब तो वो उस स्थिति में नहीं है, अब वो स्टैंड ले सकते हैं। और अब वो उन उन जिनके साथ, बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनकी पीड़ा को भी समझते हैं। अब वो भावनात्मक रूप से उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कभी इस तरह की पीड़ा से गुजरते हैं। इसी तरह से जो मृत्यु, प्रियजन को खो देने का डर, जो उनको मैसेज मिला सोल वर्ल्ड में कि प्रियजन को आप नहीं खोते हैं, उनकी वाइफ को उन्होंने 3 बार खोया, चौथी बार वो फिर उनकी लाइफ में है, तो उन्हें समझना होगा कि हम अपने प्रियजनों को नहीं खोते हैं। सिर्फ रूप बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, नाम बदल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं खोते हैं। जब ये क्लैरिटी श्याम जी को मिली तो श्याम जी का अब जीवन के प्रति नज़रिया कुछ और था, और वो जो डर और बचपन में जो कुछ उनके साथ हुआ, वो जो ग्लानि थी, उसे उन्होंने रिलीज़ किया। अब श्याम जी के लिए तो बेशक उनकी वाइफ का और उनका रिश्ता बड़ा प्यारा रहा, हर बर्थ में ही बड़ा प्यारा रहा, प्रेम का संबंध था तो इस तरीके से उनके सामने आया। लेकिन जो मेरे अनुभव रहे हैं और भी कई केसेस के, पति पत्नी का रिश्ता हमेशा पति पत्नी के रूप में ही सामने नहीं आता, कई बार तो वो दुश्मनों के रूप में भी सामने आ जाता है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि रिश्ता एज इट इज ट्रांसफर होगा। बस दो आत्माएं हैं, उनके आपस में कार्मिक संबंध है, एक ऊर्जा एक्सचेंज हुआ है। वो ऊर्जा एक्सचेंज वैसे का वैसे आपका नेक्स्ट बर्थ में ओपन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि पति पत्नी है तो वो नेक्स्ट बर्थ में पति पत्नी के रूप में ही मिलेंगे। हाँ, श्याम जी के मामले में ऐसा हुआ है और बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है जहाँ बहुत गहरा प्रेम होता है, लेकिन हर मामले में नहीं होता। जहाँ पति पत्नी एक भाव के साथ जी रहे हैं कि अब ये इंसान मुझे अपने जीवन में वापस नहीं चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ भी दो आत्माओं के चैप्टर तो खुलेंगे, जो ऊर्जा एक्सचेंज है वो तो ओपन होगा, लेकिन वो फिर किसी और रिश्ते में बंद कर होगा। वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, किसी भी दोस्त, चाचा, मामा, भाभी, माँ, किसी भी रिश्ते में। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम सभी बचपन